लेकिन जाति तो इस देश का सच है। जब तक जाति को खत्म करने वाले लोग ताकतवर नहीं होंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक जाति खत्म नहीं होगी। तो मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे, जब ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से दूर जाएगी तो लोग मुझसे कहेंगे चंद्रशेखर अभी भी अपनी जाति के बीच में पड़ा हुआ है। मेरे पिताजी कहते थे चमार एक ऐसी जाति है पूरी धरती में उससे फिरती है, धरती का बल चले तो मरने के बाद ये भी तो जगह ना है। मैं जब आज आ रहा था ना तो मैं आपका जोश देख रहा, आपका बल चले तो आप अपने हर ऊपर हुए हर पीड़न का जवाब दे दें। लेकिन मेरी लड़ाई बदले की नहीं, बदलाव की। मेरी लड़ाई अन्याय करने वालों के परिवारों से नहीं है, क्योंकि जिसने अन्याय किया वो घटिया सोच का व्यक्ति है, उसके परिवार का इसमें कोई दोष नहीं। मैं तो तमाम माता बहनों का इतना ही सम्मान करता हूं जितना उस मां का करता हूं जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब तक लोकतंत्र में आप मुझसे प्यार भले बहुत करें, मेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक आप मुझे ताकत नहीं दोगे वोट की, तो मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेरी इच्छा है कि मेरा एक भी भाई बेरोजगार ना रहे। मेरी इच्छा है कि अगर किसी बहन का भाई का सपना हो कि अच्छे से स्कूल में पढ़ना, वो डॉक्टर की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई करना चाहता हो, उसके लिए उसको किसी से किसी का के हाथ ना पहनाने पड़ेगा।